मेरे खूबसूरत सी वाईटी फैमिली वालों, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। और आज मेरा ब्लॉग मंदिर से ही स्टार्ट हो रहा है। आज है दिन है शुक्रवार और वैशाख पूर्णिमा है दोस्तों, और मेरे लिए भी आज दिन अच्छा है क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है दोस्तों। 5 मई को हमारी एनिवर्सरी है, तो आज हमारा 14वां साल गिरा है दोस्तों। और मैं आ गई हूँ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, तो साथ में नहीं है वो, लेकिन आई हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, समझ सकते हो। तो बस मैंने मंदिर से आ गई थी दोस्तों। और जो भी है, हम लोग की छोटी हो या बड़ी खुशी हो, तो भगवान से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैं आशीर्वाद भगवान का लेके आ गई हूँ। और बस दोस्तों यहाँ पे बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और ये मैं झींगा छील रही हूँ, तो इसको हम लोग झींगा बोलते हैं दोस्तों। और आप लोग क्या बोलते हो जरूर बताइएगा। और एक होती है तोरे, जिसे आप लोग तोरे बोलती हो, हम लोग उसको नैनवा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो बस सबके अलग अलग थोड़े बहुत रहन सहन के हिसाब से कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं है, तो इसे हम लोग झींगा बोलते हैं। और आज इसी की ही लंच में सब्जी बनाऊंगी दोस्तों, तो फटाफट से इसको कट कर लेती हूँ। और दोस्तों मैंने पहले इसका कट कर लिया था, एक बच गई थी, तो मैंने इसको भी कट कर रही हूँ। और ये मैं चने के साथ बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो बस यहाँ पे कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा दिन हो तो बाहर निकले पूजा वूजा करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों हमारे साथ। जब भी कुछ हो तो इनका ड्यूटी ऐसे ही समय में पड़ जाती है, तो क्या बताऊँ। तो बस घर के में ही हम लोग उलझे फेरा जाते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बगल में ही मंदिर थी, मैंने वहाँ से ही पूजा करके आ गई। आज दिन काफ़ी अच्छा है, आज वैशाख पूर्णिमा है ना दोस्तों, तो आज वैशाख की पूर्णिमा भी है, काफ़ी अच्छा दिन है। और यहाँ पे मैंने तेल दिया था, पचफोड़न ऐड किया था दोस्तों, और यहाँ पर मैंने ना चना ऐड करके बनाऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने आलू छिलके दी थी, एक आलू दे दी है छील के, तो अच्छी लगती है। सिंपल से बनाऊंगी दोस्तों, कोई तामझाम नहीं करूंगी, सिंपल ही ये सब अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पे नमक हल्दी ऐड किया है और मैं मसाला पीस के रखी थी, तो बस मसाला ऐड करूँगी। और ना कुछ दिनों से ना मैं थोड़ी सी मीठा हुआ सब्ज़ी बना रही थी, मतलब तीखा कम दे रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सर्दी से कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था दोस्तों। और थोड़े बहुत ना मुंह में भी छाले वाले हो गए थे ना, तो थोड़े से कुछ भी खाती थी तो काफ़ी तीखा लगता था। तो बेटे ने बोला कि मम्मी आज मीठा मीठा सब्जी बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आज थोड़ी सी रिलैक्स फील हुई है, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसमें हल्का सा तीखा ऐड किया है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का ही तीखा ऐड किया है, बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी और ढक दूँगी, क्योंकि ये सब में तो पानी हमेशा निकलती ही है, तो बस ये ढक दूँगी, ये धीरे धीरे पकेगी दोस्तों। और मैंने ढक दिया था, देख सकते हो ये कितनी अच्छी से पक गई है और इसका पानी निकल गया है, मतलब पानी सूख गया है दोस्तों। और ये सब ना ग्रेवी वाली सब्जी ये अच्छी नहीं लगती है, इसका पानी सुखा के ही बनाओ तो अच्छा लगता है। बस ये सिंपल तरीके से बन गई है। और लंच में मैं आज कटहल की सब्जी बनाई थी दोस्तों, दाल और चावल और तोरे की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ तोरे नहीं, सॉरी नहीं, झींगा की सब्जी दोस्तों। और बच्चे लोग की एंट्री भी हो गई है, तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों लोग के लिए खीरा काट दिया था और एक थोड़ी आम थी दोस्तों, उसको आकृति को थोड़ा पसंद है। और इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है क्योंकि बच्चे लोग अभी आए हैं दोस्तों, तो धूप में अभी नहीं नहाएंगे, थोड़ी देर बाद रेस्ट करेंगे तभी नहाएंगे दोस्तों। तब तक ये खा लेते हैं, उसके बाद लंच करेंगे दोस्तों। तब तक बच्चों लोग को नहा वहाँ धो के बस
रेडी करूँगी इन लोगों को, तब तक ये कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे इसका चल रहा है, बैग से कुछ निकाल रही है, तो इसका ऐसे ही चलता है दोस्तों। और दोस्तों आज थोड़ी सी गर्मी काफ़ी है, आज गर्मी है सुबह से, और मैं कर रही हूँ लंच। तो बच्चे लोग नहा धो के उन लोग को रेडी कर दिया था, और अंकित खा चुका था, आकृति और हम बैठे हैं दोस्तों, तो ये दोनों साथ में ही बैठते हैं इधर। तो बस यहाँ पे ये खा रही है, और ये है शाम का क्लिक दोस्तों, शाम की 6:30 बजे की क्लिक, और ये चंद्रमा को देख सकते हो आप लोग। और आज ग्रहण है, पता नहीं दोस्तों भारत में लग रही है कि नहीं लग रही है, मुझे उतना मालूम नहीं है। तो दोस्तों आज है ग्रहण, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। तो मैं यहाँ पे देखिए पॉपकॉर्न बच्चों लोग के लिए बनाई थी दोस्तों, पॉपकॉर्न रेडी की थी क्योंकि ये लोग को खाना था, तो ये अभी लेके आया था पॉपकॉर्न, तो मैंने एक पैकेट वाला बना दिया था। ये एक पैकेट ये दोनों के लिए काफ़ी है दोस्तों, और मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी। गर्मी है तो गर्मी में मुझे उतना चाय पसंद नहीं है, ठंड में थोड़ी बहुत 2-3 बार पी लेती हूँ, लेकिन गर्मी में मुझे ना ही पीऊँगी तो चलेगा दोस्तों, इतनी भी लत नहीं है मेरी। तो बस यहाँ पर दोस्तों मैं बना रही हूँ खीर। हमें छोटी हो या खुशी बड़ी हो दोस्तों, घर में के रसोई में तो खीर तो ज़रूर ही बनती है, चाहे कुछ भी हो। केक वेक तो आजकल का फैशन हो गया है दोस्तों, लेकिन खीर ना बने खुशियां हो और खीर ना बने तो ये अधूरी मानी जाती है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मेरी रसोईया में चढ़ गई है खीर, और बन के भी रेडी हो गई है दोस्तों। ये गई अमूल दूध, जिससे कि ये खीर काफ़ी लाजवाब और टेस्टी बन जाती है। तो मैं कभी कभी ना अमूल दूध बन दे देती हूँ पाउडर। तो बस ये गई चीनी, तो लास्ट में चीनी भी ऐड कर दिया है दोस्तों, और मेरी यहाँ पर टेस्टी खीर पक के रेडी हो गई है दोस्तों। तो बस छोटी सी सेलिब्रेट के लिए मीठा तो बनता है, चाहे कुछ हो या ना हो। तो बस यहाँ पे हमारी खीर बन चुकी है दोस्तों, और दोस्तों मैं मिल रही हूँ, देख सकते हो 10:30 से भी वैभव हो गया है, और इनके पापा की एंट्री भी हो गई है, और आज ये कुछ लेके भी आए हैं। तो दोस्तों क्या लेके आए हैं वो भी दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये लेके आए हैं केक के लेके, तो फर्स्ट टाइम लाए हैं दोस्तों। तो बस यहाँ पे वो केक लेके आए हैं, और वो बोल रहे थे कि तुम काटो, तो मैंने कहा कि मैं अकेले तो नहीं काटूंगी। तो वो तो है शर्मिला है दोस्तों, थोड़ा शर्माता है वीडियो में आने से। तो दोस्तों बस हम सबको थोड़ी सी ही खुशी मिल जाती है ना मिडिल फैमिली को, तो उसमें ही हम लोग खुश होना सीखे हैं, जानते हैं दोस्तों। तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेट, ये छोटी सी खुशी हमारे लिए काफ़ी बड़ी मायने रखती है दोस्तों। तो बस ये यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी सो गई थी दोस्तों, और मुझे केक कट यहाँ पे बोल रही थी कि केक काटो, तो बस ये सो गई थी जल्दी ही खा पी के। तो बस यहाँ पे हम लोग का कट रहे हैं, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए दोस्तों, और ढेर सारा विशेष दीजिए। तो दोस्तों अभी ये इनका फिर जिस दिन कोई कुछ होता है ना, तब इनका ड्यूटी वैसे ही होता है 2 बजे का। तो वो केक लेके आए थे, केक लेके आए दोस्तों, और मैंने जो खाना बनाया था सिंपल सा खाना बनाया था। तो दोस्तों अभी सोई थी, और ये
केक खा रही है। मम्मी को भी खिला, अकेले अकेले खा रही है। और ये भी खा रहे हैं। मेरे लिए भी रखा हुआ है दोस्तों। इधर अंकित जी छुप छुप के खा रहा है। तो दोस्तों केक कटिंग हो गई है और वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।